हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता। एलसीएम और एचसीएफ के इस सीरीज़ में हम लेकर के आए हैं घात विधि से, अनुपात विधि से और शॉर्ट ट्रिक विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग विधि है। तो देर नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अपने प्रोसेस के ओर। चलते हैं अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने की घात विधि की ओर। तो दी गई सभी संख्याओं का सबसे पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड और फिर उनको लिखेंगे घात के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कि संख्या है 8, 12 एंड 16। इनको हमने 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है। आप देखिए, 2 दुनी 4 दुनी 8, 12 को 3 दुनी 6 दुनी 12, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, ठीक है। तो फिर ये हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा। अब हम इसको लिखेंगे घात के रूप में। तो घात के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3, 2 to the power 2 into बचा हुआ ये 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 4, ठीक है। तो नियम में हमने यहाँ तक का कर लिया। अब हम देखते हैं आगे का नियम क्या है। कि आगे का नियम बता रहा है कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर वाली संख्या लेंगे और बिना पावर वाली शेष बची संख्या से गुणा कर देंगे, तो यही हमारा अभीष्ट एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर वाली संख्या लेंगे, है ना। तो इसमें आप देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, ये 2 पर पावर 3 है, 2 पर 2 है, 2 पर 4 है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 पर पावर 4 है। तो यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 to the power 4, ठीक है। अब देखिए कि बिना पावर वाली बची संख्या क्या है, इन सब पे पावर है और सबसे अलग संख्या बच रही है 3, हम इसको 3 में गुणा कर देंगे। तो 2 to the power 4 का वैल्यू कितना होता है, 16 into 3, 16 3 जा 48। तो ये हमारा क्या निकला, एलसीएम निकला। अब आगे देखेंगे नियम हम एचसीएफ बनाने की क्या विधि है। तो एचसीएफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे कम पावर वाली संख्या लेंगे और अगर 2 संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं तो गुणा करेंगे, अदरवाइज वही हमारी अभीष्ट एचसीएफ होगा। तो सबसे कम पावर वाली हम देखेंगे एचसीएफ के लिए। इसमें आप देखिए सबसे कम पावर क्या है, 3 है 2 है 4 है, ऑब्वियसली कि सबसे कम पावर क्या है, 2 2 जा 2 है। तो ये हुआ 2 2 जा 2, तो इसको हम लिखेंगे 2 into 2 is equal to 4। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला, 4 निकला, और एलसीएम क्या निकला, 48, है ना। बहुत ही आसान सी विधि है। चलिए एक और देखते हैं घात की अन्य विधि, वो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी सी विधि है। तो इस विधि में नियम देख लेते हैं सबसे पहले, कि दी गई सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, और प्राप्त फैक्टर्स को फिर हम क्या लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 3, 36 और 108। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 336। तो ये इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो ये आता है 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, ठीक है। ये हमको मालूम है इसलिए हम लिख ले रहे हैं। 108 का जो गुणनखंड आता है, ये आता है 2 into 2, एंड ये आता है 3 into 3 into 3, ठीक है। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 336 इज इक्वल टू, ये कितने हैं, 4 हैं, 2 to the power 4 एंड
एक संख्या है 3 और एक संख्या है 7, ठीक है। दूसरा है 108, यहाँ पर 2 to the power 2, 2 to the power 3, ओके। अब अगला नियम देखेंगे, ठीक है। तो प्राप्त फैक्टर्स को घात के रूप में लिखेंगे, लिख लिया भाई। अब माना जो दो संख्याएं हैं हमारे पास, इनका हमने घात के रूप में लिख लिया है, तो अब देखेंगे कि 336 में ऐसी कौन सी फैक्टर है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 108 में नहीं है, और 108 में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि 336 में नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि 336 में जो फैक्टर है ये 2 है, 3 है और 7 है, ठीक है। और 108 में 2 है, 3 है, 7 नहीं है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि 7 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 108 में नहीं है, तो दोनों संख्याओं के फैक्टर्स को बराबर करने के लिए 7 to the power 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 7 to the power 0 से? ऐसा इसलिए कि 7 to the power 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। एक्चुअली किसी भी संख्या पर या कोई बीज गणितीय एक्स वाई ए बी सी डी हो, तो अगर उसके ऊपर 0 की घात है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मूल संख्या में कोई अंतर नहीं होगा। भाई 10 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 एकम 10, 16 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 एकम 16, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम 7 power 0 लगाएंगे जिसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 7 power 0, दोनों ओर के फैक्टर बराबर कर दिए। 336 पे 2 to the power 4, 3 पर पावर 1 कर दिया, 7 पर पावर 1 कर दिया, 108 2 to the power 2 और 3 to the power 3 एंड 7 to the power 0। यहाँ तक हम अभी तक नियम के अनुसार चलते आए। अब और देखिए हम क्या करते हैं, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए सभी हाईएस्ट पावर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो सभी हाईएस्ट पावर इसमें देखें क्या है, यहाँ पर 2 पर पावर 4 और 2 है हाईएस्ट पावर, ये है। 3 पर पावर 1 है और 3 है हाईएस्ट पावर, ये है। 7 पर पावर 1 है और 0 है हाईएस्ट पावर, ये है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले सभी हाईएस्ट पावर को 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 3 इंटू 7 to the power 1, ठीक है। तो 2 to the power 4 कितना हुआ? 16। 3 to the power 4 3 3 9 9 27 और ये क्या हुआ? 7, ठीक है। तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या संख्या आता है? 30 24। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 16 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 16 7 112, देखिए क्या आया है हमारा 112। और फिर 16 7 112, इसमें हम 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 14 4, हाथ में लगा 1, 7 1 7 और 1 8, 7 1 7, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2 ये 4 8 and 4 12 1, 7 8 9 10 0 and 3। अब आप देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है? 30 24 30 24, ये हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। अगला रूल देखते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम वही लोएस्ट पावर को
इकट्ठा करेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लोएस्ट पावर अब हम देखते हैं एचसीएफ क्या है हमारा। देखिए इन दोनों में बचा हुआ लोएस्ट पावर है 2 to the power 2, यहाँ पर है 3 to the power 1 और यहाँ है 7 to the power 0। तो ये हुआ 2 to the power 2, 4, 3 to the power 1, 3 और 7 to the power 0 इज इक्वल टू 1। 3 चौक 12 और 12 एकम 12। तो ये हमारा क्या निकला, एचसीएफ निकला। ये सब मेरे हिसाब से ये सबसे आसान विधि है एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। ओके, अब आते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने की अनुपातिक विधि पर। ये भी बहुत आसान है। तो अनुपातिक विधि निकालने के लिए कि मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, 12 है और 8 है, ठीक है, ये कॉमा है, एक्चुअली 8 जैसा दिख रहा, 12 है और 8 है, इसको हम अनुपात के रूप में 12/18 लिखेंगे और इसका सरलतम रूप निकालेंगे, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं हमारे पास, 12 और 18, हम लिखेंगे 12/18, इसका सरलतम रूप निकालेंगे, 6 6 12 6 3 18 और 6 2 12। तो ये हो गया 12/18 इज इक्वल टू 2/3, ठीक। अब क्या करेंगे, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यही हमारा अभीष्ट एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 18 का गुणा हम 2 से करेंगे, 18 का गुणा 2 से करेंगे और 12 का गुणा क्या किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 18 2 36 या 12 3 36, तो आप इधर से गुणा करें या इधर से, रिजल्ट एक ही आएगा और यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। है ना, बिल्कुल आसान सी विधि, मज़ा आ रहा है करने में, ठीक। कम से कम गणित में आपका इंटरेस्ट आ जाए, बस यही सबसे बड़ी बात होगी। अब आप देखिए कि अगर 2 की जगह हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 12 है, 16 है और 18 है, तो पहले हम 2 संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, फिर प्राप्त एलसीएम और तीसरी संख्या का एलसीएम निकालेंगे और वही हमारा अभीष्ट एलसीएम होगा। तो आप देखिए 2 संख्याएं हम ले लें, 12 और 16 ले लें, तो 12/16 ये 2 संख्याएं हम ले रहे हैं, ठीक है। तो 12/16 हो गया, 4 3 12 और 4 4 16, तो ये हो गया हमारा 12/16 इज इक्वल टू 3/4। अब आप इससे गुणा करें या इससे गुणा करें, 16 3 48 और 12 4 48, हम यही लिख दे रहे हैं कि यहाँ हमारा एलसीएम जो होगा ये कितना होगा, 48 होगा, ये एलसीएम पहला एलसीएम होगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ 12 × 4 इज इक्वल टू 48 और 16 × 3 इज इक्वल टू 48, ठीक है। ये हमारा पहला एलसीएम निकला है। अब नियम के अनुसार इस एलसीएम का और इस तीसरी संख्या का एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि ये जो संख्या है, ये जो एलसीएम आया है, ये कितना है, 48 अपॉन जो संख्या है हमारे पास वो कितनी है, 18, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 3 7 जा 24। तो ये हमारा 3 8 जा 24, ये हमारा आया है 48/18 इज इक्वल टू 8/3। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें या
इसको मल्टीप्लाई करें, हमारी संख्या बराबर आएगी। ठीक है, 48 × 3 या 18 × 8, 8 × 8 = 24 के 4 हासिल 2, 3 × 12 = 13, 14 और 18 × 8 = 144। ठीक है, तो ये जो एलसीएम निकला है ये हमारा फाइनल एलसीएम है। ये तीन संख्या 12, 16 और 18 का एलसीएम है। तो आप देखिए कि अगर आपके पास तीन संख्याएं हैं तो इन दो संख्याओं का पहले एलसीएम निकाल लीजिए और जो एलसीएम आया है वो और तीसरी संख्या का एलसीएम निकाल लीजिए, तो यही आपका क्या होगा, अभीष्ट एलसीएम होगा। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास चार संख्याएं हैं जैसे यहाँ दिख रहा है ना, तो सबसे पहले नियम देख लेते हैं कि अब अगर आपके पास चार संख्याएं हैं तो पहले दो दो संख्याओं को अलग अलग एलसीएम निकालेंगे और प्राप्त दोनों एलसीएम से फाइनल एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो इसमें इन दो का एलसीएम हम एक साथ निकाल लेंगे और फिर इन दो का एलसीएम निकाल लेंगे एक साथ, है ना। तो ये हो गया हमारा 12/15, 3 × 5 = 15, 3 × 12, तो ये हुआ 12/15 = 4/5। आप लिख सकते हैं 12 × 5, 15 × 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। तो ये जो हमारा एलसीएम निकला है, पहला एलसीएम निकला है, ये कितना निकला है, 60 निकला है। अब दूसरी संख्या हम लेते हैं 18/24, ठीक है, इसको भी हम सरलतम रूप में लिखते हैं, 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24, तो ये हो गया 18/24 = 3/4। अब इसका गुणा इससे करते हैं और इसका गुणा इससे करते हैं, है ना। तो थोड़ा दिख नहीं रहा था, एक बार फिर से देख लें, 18/24, तो 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24। तो अब हमारा जो सरलतम रूप निकला ये क्या निकला, 18/24 = 4/3। तो अब आप इसको गुणा करें कि 18 × 4 और 24 × 3, 24 × 3, तो देखिए 4 × 3 = 12 = 2, हाथ में लगा 1, 3 × 2 = 6 और 1 = 7 = 72 और 18 × 4 = 72। ठीक है, तो एलसीएम हमारा जो सेकंड एलसीएम निकला ये क्या निकला है, 72 निकला है। तो फर्स्ट एलसीएम और सेकंड एलसीएम इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का एक साथ हम एलसीएम निकालेंगे और फिर हमारा फाइनल एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एलसीएम लेते हैं, ये है हमारा 60/72, ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 एंड ये 10, 2 × 6 = 5, तो ये हुआ 60/72 = 5/6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 × 6, 72 × 60 × 6 and 72 × 5, ठीक है, 360 × 72 = 5, 360। तो ये जो हमारा एलसीएम निकला है 360, ये हमारा फाइनल एलसीएम
अभीष्ट एलसीएम निकला है। तो एक बार और देख लें कि अगर हमारे पास चार संख्याएं हैं तो पहले हम दो संख्याओं का एलसीएम निकालें, इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या आया, 60 आया, फिर दो संख्याओं का एलसीएम निकाला, इनका क्या आया, 72 आया, और फिर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, फाइनल एलसीएम आ गया 360। तो ये है एलसीएम निकालने की अनुपातिक विधि। आई होप कि आपको सारी विधियाँ बहुत अच्छी लग रही होंगी, आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ रहा होगा। मैथ्स में अगर आपका इंटरेस्ट जाग जाए तो बच्चे आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि मैथ्स का आपका कंसेप्ट क्लियर होना। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।